तकदीर लिखने वाले एक एहसान कर दे, नए साल में सबके चेहरे पर मुस्कान भर दे, दुख दर्द दूर हो सबका और सुख समृद्धि और सेहत सबको बेशुमार कर दे। नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा और मैं हूं कैलाश कछावा। दोस्तों, साल 2017 की विदाई हो रही है और साल 2018 का स्वागत। हमारे पास बीते साल की कई अनमोल यादें हैं, तो नए साल में कुछ नया करने का संकल्प भी। तो इससे पहले कि हम नए लक्ष्य, नए संकल्प, नए सपने और नए उम्मीदों को साकार करने में जुट जाएं, आओ अतीत की यादों में कुछ गोता लगाते हैं। जी हाँ, हमारी इस खास पेशकश में हम आपको साल 2017 के वो वीडियो दिखाने जा रहे हैं जो सोशल मीडिया पर छाए रहे। तो आइए शुरू करते हैं हमारी आज की खास पेशकश। साल 2017 के विदा होते होते सलमान खान ने बता दिया कि टाइगर अभी भी जिंदा है। सलमान कटरीना की जोड़ी ने स्वैग से सबका स्वागत किया। और बात राजनीति की करें तो राहुल गांधी का भी जोरदार स्वागत हुआ है, हार से स्वागत हुआ है। गुजरात वाली हार नहीं, फूलों वाला हार। जी हाँ, राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष बने और फूलों के हार से उनका जोरदार स्वागत हुआ। हाँ, तो अब बात अगर गुजरात की हो रही है तो आलम यह है कि ना हम हारे ना तुम जीते, लेकिन जीत जीत होती है और हार हार होती है। वैसे गुजरात में भाजपा की जीत में दो किरदारों की प्रमुख भूमिका रही। आइए आपको बताते हैं कौन है ये किरदार। श्रीमान मणिशंकर अय्यर। मुझको लगता है कि ये आदमी बहुत नीच किस्म का आदमी है, इसमें कोई सभ्यता नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी बात निकली है तो दूर तलक जाएगी ही। कांग्रेस की हार वाली जीत के भी कई कारण रहे जिनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी वायरल भी हुई और इन्हीं तस्वीरों को हमने एक फ्रेम में फिट करने की कोशिश की है। आइए देखते हैं। टूट गए गुजरात हिमाचल, वही क्या बात हो गई। टूट गए गुजरात हिमाचल, वही क्या बात हो गई। फिर से मोदी लहराया करामात हो गई। फिर से मोदी लहराया करामात हो गई। बढ़ गए लेने के देने, वही क्या बात हो गई। बढ़ गए लेने के देने, वही क्या बात हो गई। मेरा खेल बिगाड़ा खड़ी खाट हो गई। मेरा खेल बिगाड़ा खड़ी खाट हो गई। मंदिर जाना, तिलक लगाना और जनेऊ दिखाना। मंदिर जाना, तिलक लगाना और जनेऊ दिखाना। हिंदू बन कर के वोट जुटाना था। हर हाल में गुजरात जिताना था। अय्यर आए बतिया, भाजपा की जिस तरह से लगातार जीत हो रही है उसे देखकर तो यही कहा जा सकता है कि भाई अब मोदी को अश्वमेघ यज्ञ कर एक घोड़ा छोड़ देना चाहिए और बाकी बचे राज्यों से पूछ लेना चाहिए कि क्या आप हार मान रहे हो या फिर से चुनाव लड़ ले। लेकिन राहुल ये मानने को तैयार नहीं है। दोनों ने कुछ ऐसे ही बयान दिए जो 2017 की सुर्खियां बने।
जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा। जो मोदी जी का मॉडल है एक्चुअली उसको गुजरात के लोग मानते नहीं। प्रोपेगेंडा बहुत अच्छा है, मार्केटिंग बहुत अच्छी है, मगर अंदर से खोखला है। वैसे राहुल ने विकास को पागल करार देने की काफी कोशिश भी की, लेकिन देखिए विकास काफी सेहतमंद साबित हुआ। राहुल गांधी की एक ऐसी ही कोशिश वाला वीडियो गुजरात की चुनावी सरगर्मी के दौरान काफी छाया रहा, आइए आपको दिखाते हैं। इस साइड से आलू डालो, उस साइड से सोना निकालो, इतना पैसा बनेगा आपको पता नहीं होगा क्या करना है पैसे का। इस साइड से आलू डालो, उस साइड से सोना निकालो, इतना पैसा बनेगा आपको पता नहीं होगा क्या करना है पैसे का। वैसे राहुल का ये एक एडिटेड वीडियो था, दरअसल राहुल ने ये बातें पीएम मोदी के हवाले से कही थी। खैर आगे बढ़ते हैं। इस साल राहुल गांधी ट्विटर पर जबरदस्त तरीके से छाए रहे, जिस पर लोगों को खूब हैरानी हुई कि आखिर राहुल के इस मेक ओवर के पीछे किसका हाथ है। तो राहुल ने खुद एक वीडियो शेयर किया था और उन्होंने बताया था कि उनके लिए उनका ट्वीट उनका पीडी करता है, पीडी उनका पालतू कुत्ता है। आइए आपको दिखाते हैं ये वीडियो। नमस्ते करो, होल्ड करो, नो स्टे, होल्ड करो, स्टे, गुड बॉय। आपने वो कहानी तो जरूर सुनी होगी, दो बिल्ली एक रोटी आधी आधी और बंदर। चलिए छोड़िए, सीधे बात करते हैं। इस साल यूपी में भी चुनाव हुए, जहां योगी ने यूपी के लड़के यानी कि अखिलेश और राहुल दोनों को ही मात दे दी, और खुद योगी ने इसका खुलासा किया जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल भी हुआ। देखिए, लोग मेरी उम्र के बारे में कह सकते हैं, मैं आदरणीय राहुल जी से 1 वर्ष छोटा हूं। खड़के जी, राहुल जी यहां पर सदन में नहीं है, मैं उनसे 1 वर्ष छोटा हूं उम्र में, और मुलायम सिंह जी की पार्टी के कोई यहां नहीं है, अखिलेश यादव से 1 वर्ष बड़ा हूं। 1 जो दोनों की जोड़ी के बीच में मैं जो आ गया, मुझे लगता है कि ये आपकी विफलता का एक बड़ा कारण हो सकता है। ओ सपनों के सौदागर, एक सपना दे दे। अब हम आपको जो वीडियो दिखाने जा रहे हैं उसका इस गाने से कोई लेना देना नहीं है, हम तो मामा जी की बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात कर रहे हैं। जब वो अमेरिका गए तो ऐसा खुलासा किया कि सुनकर सब सन्न रह गए। उनका ये खुलासा देश भर में छा गया, आप खुद देखिए क्या था वो खुलासा। सबसे पहले हमने सड़कें बनाई, और सड़कें भी ऐसी मित्रों, जब मैं यहां एयरपोर्ट पर उतरा वाशिंगटन के और सड़कों पर चल के आया, तो मुझे लगा कि मध्य प्रदेश की सड़कें यूनाइटेड स्टेट्स से ज्यादा बेहतर है। वैसे मामा जी के इस खुलासे के बाद मध्य प्रदेश की जनता ने भी उनके इस दावे के कई सबूत दिखाए। कौन कौन से थे ये दावे, आइए देखते हैं। दावे, वादे और हकीकत के बीच मामा जी चौथी पारी खेलने के मूड में हैं, लेकिन उन्हें सत्ता से बेदखल करने के लिए किसी ने संकल्प लिया है। जी हाँ, ज्योतिरादित्य सिंधिया के एक ऐसे ही संकल्प का वीडियो पर सोशल मीडिया ने काफी सुर्खियां बनाई, ये देखिए। भ्रष्टाचार का आलम मध्य प्रदेश, किसान आज फिट रहा है। फिट क्या रहा है, किसान की छाती के ऊपर मंदसौर में तो गोली चला ली है शिवराज सिंह चौहान की सरकार। जो सरकार मेरे अन्नदाता के छाती पर गोली
गोली चलाएगी, उस सरकार को उखाड़ कर आप और हम मिलकर उखाड़ कर यहाँ से देखेंगे। इसलिए मैंने निर्णय लिया कि जब तक इस सरकार को हम उखाड़ के ना फेंके, मैं फूल की माला नहीं लूंगा, महात्मा गांधी के दिखाए हुए पथ पर सूत की माला लूंगा, जब तक इनको हम न्याय न दिलवाए उन दिवंगत आत्माओं को और इस सरकार को यहाँ से उखाड़ के ना फेंके। तो दोस्तों, क्रिकेट जगत के विराट प्लेयर और बॉलीवुड की बाला अनुष्का शर्मा एक दूसरे के हो गए हैं। हालांकि साल 2017 की सबसे बड़ी शादी इटली में हुई, लेकिन शादी में वरमाला से लेकर सगाई, मेहंदी की रस्म की हर तस्वीर जल्दी सोशल मीडिया पर काफी वायरल भी हुई, और जिस पर फैंस ने दोनों को ढेर सारी बधाई भी दी। वाकई है ना ये जोड़ी एक दूजे के वास्ते, एक दूजे का हाथ थामे विराट अनुष्का हमेशा के लिए एक दूजे के हो गए हैं। इनकी सारी ही तस्वीरें बेहद ही खूबसूरत हैं, जो बिल्कुल किसी फेरी टेल की तरह है। मेरे हाथ में तेरा हाथ हो, सारी जन्नतें मेरे साथ हो। मेरे हाथ में तेरा हाथ हो, सारी जन्नतें मेरे साथ हो। तू जो पास हो फिर क्या ये जहां, तेरे प्यार में हो जाऊं। क्रिकेट जगत और फिल्मी दुनिया के ये सितारे जन्मों जन्म के बंधन में बंध गए। शादी का प्लान एकदम सीक्रेट था, लेकिन आईबीसी 24 की नजर से नहीं बच पाया। आईबीसी 24 ने देश और दुनिया को सबसे पहले खबर दी कि विराट और अनुष्का की शादी होने वाली है। हमारी ये ब्रेकिंग भी सोशल मीडिया में छाई रही, आइए देखते हैं। सबसे बड़ी खबर फैंस के लिहाज से कही जा सकती है, अगले हफ्ते साहब विराट और अनुष्का की शादी है। डेट्स इनकी आ चुकी हैं, 9 से 11 दिसंबर तक विराट अनुष्का की शादी की रस्में इटली में निभाई जाएंगी। ये समय की सबसे बड़ी खबर है। ABC 24 got information from sources and top sources at that that in a few days from now we're going to be seeing Virat and Anushka become man and wife in a grand wedding celebration in Italy. ABC 24 के पास ये जानकारी आई है sources के through कि Virat और Anushka की शादी होने जा रही है. A person from whom we got this news is pretty sure because he is going to be attending the wedding. And he said he is going there on 8th and he will be back on 12th and there is a 3-day marriage and it is in Italy. विराट और अनुष्का ने भारत लौटने के बाद रिसेप्शन पार्टी भी दी, जिसमें खुद पीएम मोदी भी शामिल हुए, और ये तस्वीरें भी सोशल मीडिया में छाई रही। जी हाँ, सुर्ख लाल जोड़े में अनुष्का और कदम से कदम मिलाकर हाथों में हाथ डाले राष्ट्रीय अंदाज में विराट कोहली जैसे ही सबके सामने आए तो सबकी नजरें मानो उस नए जोड़े पर ही आकर टिक गई। दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। कुछ इसी अंदाज में सज धज के अनुष्का विराट ने होस्ट किया था दिल्ली का ग्रैंड रिसेप्शन। दिसंबर को विराट कोहली और अनुष्का शर्मा ने दिल्ली के ताज डिप्लोमेटिक इनक्लेव होटल में शानदार रिसेप्शन दिया था। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश नजर आ रहे थे। अपने रिसेप्शन में अनुष्का लाल रंग की साड़ी और मांग में चटक लाल और लंबा सिंदूर पहनी हुई थी। वहीं विराट कोहली ने काले रंग की शेरवानी और शॉल से अपने वेडिंग लुक को पूरा किया। विरुष्का की इस ग्रैंड रिसेप्शन को और भी ग्रैंड बनाया था पीएम नरेंद्र मोदी ने, जो खास तौर पर इस नए नवेली जोड़े को आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे थे। इधर विराट ने विदेश में ब्याह क्या रचाया, देश में हल्ला मच गया। भाजपा के एक विधायक ने तो उनकी देशभक्ति पर ही सवाल खड़े कर दिए।
गुना से भाजपा विधायक हैं पन्नालाल शाक के, उनके बेतुके बोल भी सुर्खियों में रहे, आइए देखते हैं। एक बहुत बड़ा क्रिकेट का खिलाड़ी है, उसका वैवाहिक संस्कार हुआ है अभी। विचार करने में आप पर विचार करने के लिए बिंदु दे रहा हूं, उसका विवाह संस्कार हुआ है और वो विवाह संस्कार करने के लिए करवाने के लिए उसको हिंदुस्तान में कहीं जगह नहीं मिली, कहीं जगह नहीं मिली। गजब हो गया क्या, हिंदुस्तान इतना अचूक है? अरे इस देश में राम का विवाह हुआ है, इस देश में कृष्ण का विवाह हुआ है, इस देश में विक्रमादित्य का विवाह हुआ है, इस देश में युधिष्ठिर का विवाह हुआ है और आप हम सबके भी हुए होंगे या होने वाले होंगे। पर हमें से कोई विदेश नहीं जाता, जैसा हो गया पैसा यहां से कमा रहा है, प्रसिद्धि यहां से प्राप्त कर रहा है और अरबों रुपया मान ले गया विवाह कराने के लिए। भारत की भूमि उससे लिए कोई मान्य नहीं है, इससे ये स्पष्ट होता है कि वो राष्ट्रभक्त नहीं है। विराट और अनुष्का की शादी तो हो गई, लेकिन भारत के दो दूसरे भी मोस्ट कुंवारे बैचलर अभी है और वो कब शादी करेंगे इसका जवाब जनता को अभी तक नहीं मिला है। जी हाँ, राहुल गांधी के सामने भी बॉक्सर विजेंदर ने शादी के सवाल पर ऐसा बड़ा पंच मारा जिस पर राहुल थोड़ा शर्माए और फिर क्या कहा, आप खुद देखिए 2017 के वायरल हुए इस वीडियो में। मैं और मेरी वाइफ हमसे बात करते कि राहुल भैया कब शादी करेंगे, मैंने बोला कि प्रधानमंत्री बन के शादी करके जाएंगे तब, कहते मजा ही अलग होता है। बरात लेके जाएंगे, बहुत पुराना क्वेश्चन है। नहीं पर बेगम प्लीज उसका जवाब तो दे दीजिए प्लीज। सर सब लोग उसका वेट ही कर रहे हैं तब से लेके, हम भी सब लोग। मैं डेस्टिनी में बिलीव करता हूँ, जब होगी होगी, जब होगी होगी। तो शादी जब होगी तब होगी, लेकिन बॉक्सर विजेंदर के सवाल पर राहुल गांधी ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया और उस खुलासे की तस्वीरें भी सोशल मीडिया की सुर्खियां बनी। राहुल ने बताया कि वो अकीडो नाम के एक खेल में ब्लैक बेल्ट हैं। राहुल भाई, इससे पहले मेरा भी सेशन था यहाँ पे, मैं स्पोर्ट्स डेवलपमेंट के ऊपर बात हो रही थी, तो मैंने कभी आज तक कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या एमएलए कभी भी कोई स्पोर्ट्स खेलते हुए नहीं देखा। मैंने रिबन काटते बहुत लोगों को देखा है, लेकिन नेवर सीन अ सिंगल एमएलए और एमपी इन इंडिया कि वो कोई भी स्पोर्ट्स में कहा। हाँ मैंने देखा बहुत सारे सेलिब्रिटी जाते हैं, जाकर फुटबॉल मैच खेल लिया, क्रिकेट मैच खेल लिया, दैट्स फाइन। बट अगर आप प्रधानमंत्री बनते हैं तो आपके स्पोर्ट्स डेवलपमेंट के ऊपर क्या थॉट्स होंगे? आप स्पोर्ट्स डेवलपमेंट इंडिया में आपको लेके आना था, आप क्या करेंगे उस चीज़ के लिए? पता नहीं आपको आइकिडो का नाम आपने सुना है, उसमें मैं ब्लैक बेल्ट हूँ। तो मैं करता रहता हूँ, बस एक बात है, मैं पब्लिकली इन चीज़ों के बारे में नहीं बोलता। सलमान खान की भाई, शादी के नाम पर भले ही उन्हें को समझ ना आता हो कि वो क्या करे क्या ना करे, लेकिन फिलहाल तो वो अपनी जीन्स खाने में ही बिजी हैं। जी हाँ, उनका एक ऐसा ही वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था। सांप, नाम सुनते ही अच्छे अच्छे के होश फाकता हो जाए, लोग दहशत में आ जाते हैं। सोचिए अगर अचानक से कोई सांप आप पर आ जाए तो। ऐसा ही हुआ सनी लियोनी के साथ, जब सांप उनकी गर्दन पर पहुंच गया तो दहशत के मारे सनी छटपटाने लगी, उछल पड़ी, आइए देखते हैं कैसे। सनी को
जब ये पता चला कि ये वाकया एक प्रैंक था तब जाकर उनके जान में जान आई और फिल्मी सेट पर उन्होंने अपने साथियों के साथ इस मस्ती का बदला भी लिया जबरदस्त तरीके से. वो कैसे, आइए देखते हैं. साल 2017 में कटरीना और आलिया की दोस्ती के भी खूब चर्चे रहे हैं और खासकर दोनों ने इस बार जिम में काफी खूब वक्त बिताया है और अपनी फिटनेस पर जमकर पसीना बहाया है और दोनों ने इसकी तस्वीरें भी शेयर की जो सोशल मीडिया की सुर्खियां बनी. इंटरनेट के जमाने में कुछ भी करो और शेयर करो, चाहे वो उठपटांग ही क्यों ना हो, लेकिन ऐसा करते करते भी लोग इंटरनेट पर फेमस हो जाते हैं. आप समझ गए होंगे हम बात कर रहे हैं ढिंचक पूजा की. आइए आपको दिखाते हैं ढिंचक पूजा का एक वायरल हुआ वीडियो. आकांक्षा तुमने भी सुना ही होगा. बिल्कुल सोनू, हमने कहा ना कुछ भी करो और सोशल मीडिया पर डालो. जी हाँ बिल्कुल, ढिंचक पूजा की तरह सोनू भी मशहूर हो गया और बाद में इसके कई वर्जन भी आए और इंटरनेट पर उन्होंने खूब धमाका मचाया. ये इंटरनेट पर काफी छा गए तो ये आपको भी सुनवाते हैं मोस्ट वायरल वीडियो सोनू. सोनू हमर छत्तीसगढ़ के एक भैया है पीतांबर साहू, उन्होंने भी एक सॉन्ग बनाया और गा दिया, रातों रात मशहूर हो गए. जी हाँ, जिमी 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 जिम कांदा 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 जिमी 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 कांदा 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 ले लो ले लो ले लो रांधो 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 अमठ हमेगा मसल हमेगा भूंज के गा बघार के गा जिमी 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 कांदा 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 ले लव ले लव ले लव रांधव 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 पहली बोला अच्छा से पानी मा उसन लो चानी चानी काट के पर्रा मा सुखो दो फिर अमठ हमेगा मसल हमेगा और भूंज के गा बघारी के गा जिमी 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 कांदा 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 ले लव ले लव ले लव रांधव 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 जिमी 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 कांदा 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 ले लव ले लव ले लव रांधव रांधव रांधव.
साल एक वीडियो शायद आप तक भी पहुंचा होगा जिसमें एक महिला बच्ची को पढ़ा रही है और बच्ची रो रो कर सवालों के जवाब देती है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ, विराट कोहली ने भी इसे शेयर किया और बाद पर इस वीडियो पर काफी बवाल भी मचा। नौबत तो ये तक आ गई कि नेशनल चाइल्ड कमीशन से विराट की शिकायत तक कर दी गई। आवाज निकाल के पढ़ यहाँ से, वन से आवाज से ये थ्री है, ये नहीं फोर है, फोर है ये, नहीं कुछ भी नहीं है, ये फाइव है, फाइव है ये, नहीं कुछ भी नहीं है, कैसे तो कुछ भी नहीं है, टू क्या? छोटे छोटे मासूम बच्चे अपनी तुतलाती आवाज में कुछ भी कहे कानों को बहुत अच्छा लगता है। एक ऐसे ही बच्चे की मासूम आवाज़ का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर छाया रहा जिसमें ये बच्चा एक फिल्मी गाना सुना रहा है। आइए हम भी इस बच्चे का ये गाना सुनते हैं। फिल्मों के कई सीन्स ऐसे होते हैं जिन्हें तकनीक का इस्तेमाल करके बनाया जाता है, लेकिन कई बार लोग इसकी नकल करते हैं और उन्हें लेने के देने पड़ जाते हैं। आइए अब आपको एक ऐसा ही वीडियो दिखाते हैं। एक अनार और सो बीमार, ये कोई इश्क का किस्सा नहीं, ना ही मोहब्बत की कोई कहानी, ये तो इंतहा है इम्तिहान की। एक ऐसा इम्तिहान जिसने हर किसी को क्रेजी कर दिया। दरअसल मध्य प्रदेश में पटवारी भर्ती की परीक्षा हुई जिसमें 9000 पदों के लिए करीब 10 लाख से ज़्यादा लोगों ने अपना भाग्य आजमाया। पटवारी परीक्षा को लेकर पैदा हुए इसी हालात का सोशल मीडिया पर खूब मजाक उड़ा, खूब किरकिरी हुई। आइए आपको दिखाते हैं ये हालात। मित्रों, भाइयों बहनों नमस्ते। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही खास खबर लेकर के आया हूँ। वह खबर सुन के आप सभी का मनोबल ऊंचा हो जाएगा। आप सभी बच्चों के लिए एक ऐसी खबर लेकर के आया हूँ। लोग कहते थे मोदी वैकेंसी नहीं निकालता, मोदी ऐसी ऐसी वैकेंसी लेकर के आया है, अब कोई खाली हाथ नहीं बैठेगा। मित्रों, कोई खाली हाथ नहीं बैठेगा। आपके बारे घर घर पटवारी। मित्रों, क्या मनमोहन सरकार में ऐसी वैकेंसी निकलती थी क्या? मैं ठोक बजा के बोलता हूँ मित्रों, ऐसी वैकेंसी निकलती थी क्या? मैं आपसे जानना चाहता हूँ।
सी तैयारी करो पटवारी की, तुम पीछे से तुम बढ़ो और आगे से निकल जाओ। तैयारी ऐसी करो कि उल्टो पेपर आ तो भी तुम जवाब दे दो। बड़ोगे क्या बनोगे तुम? पटवारी। हाँ तो अमेरिका में कब तक निकल रही पटवारी की वैकेंसी? देखो यार अब बात चल रही है, चुनाव से पहले पहले निकाल देंगे। शादियों में लोग खूब मस्ती करते हैं, खूब एंजॉय करते हैं, खाना पीना होता है, नाच गाना होता है, लेकिन कई बार ऐसे सीन बन जाते हैं जो आपको गुदगुदाने पर मजबूर कर देते हैं। बिल्कुल, ऐसी ही कुछ तस्वीरें साल 2017 में सोशल मीडिया पर छाई रही। आइए आपको ऐसे ही दिखाते हैं कुछ वीडियो जो आपको खूब गुदगुदाएंगे। लिखने वाले एक एहसान कर दे, नए साल में सबके चेहरे पर मुस्कान भर दे, दुख दर्द दूर हो सबका और सुख समृद्धि और सेहत सबको बेशुमार कर दे। नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। और मैं हूं कैलाश कछावा। दोस्तों, साल 2017 की विदाई हो रही है और साल 2018 का स्वागत हमारे पास। तकदीर लिखने वाले एक एहसान कर दे, नए साल में सबके चेहरे पर मुस्कान भर दे, दुख दर्द दूर हो सबका और सुख समृद्धि और सेहत सबको बेशुमार कर दे। नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। और मैं हूं कैलाश कछावा। दोस्तों, साल 2017 की विदाई हो रही है और साल 2018 का स्वागत। हमारे पास बीते साल की कई अनमोल यादें हैं, तो नए साल में कुछ नया करने का संकल्प भी। तो इससे पहले कि हम नए लक्ष्य, नए संकल्प, नए सपने और नए उम्मीदों को साकार करने में जुट जाएं, आओ अतीत की यादों में कुछ गोता लगाते हैं। जी हाँ, हमारी इस खास पेशकश में हम आपको साल 2017 के वो वीडियो दिखाने जा रहे हैं जो सोशल मीडिया पर छाए रहे। तो आइए शुरू करते हैं हमारी आज की खास पेशकश। साल 2017 के विदा होते होते सलमान खान ने बता दिया कि टाइगर अभी भी जिंदा है। सलमान कटरीना की जोड़ी ने स्वैग से सबका स्वागत किया। और बात राजनीति की करें तो राहुल गांधी का भी जोरदार स्वागत हुआ है, हार से स्वागत हुआ है। अमेरिका को सबसे शक्तिशाली देश माना जाता है, लेकिन इंडिया भी किसी से कम नहीं है। और इसलिए अमेरिका जैसा देश भी भारत से दोस्ती करना चाहता है, और इसका सबूत सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो भी दे रहा है जो खुद यूएन एम्बेसी ने शेयर किया है, जिसमें अमेरिका ने फिल्मी अंदाज में भारत को हैप्पी न्यू ईयर कहा है। देखिए।